हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तुलिता और मैं आज आपके साथ एक हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मेरे पास कुछ कलेक्शन है ईयरिंग के। पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद है ईयरिंग्स, तो जिसकी प्राइस रेंज है ओनली 30 to 50 रुपीज़। तो यही कुछ कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं बोलना चाहूँगी, ये जो ईयरिंग है मैंने ख़रीदी है न्यू मार्केट से, और न्यू मार्केट के ओल्ड बिल्डिंग के ऑपोजिट के साइड बहुत सारी ईयरिंग्स की दुकान है, वहाँ पर ख़रीदी है, और लोकल स्टोर से भी कुछ खरीदी है। तो फर्स्ट मेरे पास जो है ये दिस टाइप ऑफ झुमके मैंने खरीदी है लोकल स्टोर से। लोकल स्टोर मतलब मेरी जो मैं रहती हूँ जहाँ पर, वहाँ के रास्ते में एक दुकान मिली थी मुझे, वहाँ से मैंने ये खरीदे हैं। इसकी प्राइस रेंज है ओनली 30 रुपीज़। और इसके बाद मैं एक टॉप्स खरीदे हैं, मुझे टॉप्स की बहुत ही शौक़ है। मुझे ये जैसे मोती के जैसे दिखता है, और यहाँ पर बंगाली में कहते हैं ऐसे छिला कटा गोल्डन ज्वेलरी में ऐसे वर्क आते हैं, तो ये टॉप्स मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैं इसे खरीद लिया। तो ये भी मुझे 30 रुपीज़ में मिला था। नेक्स्ट मेरे पास जो है और एक छोटा सा ईयरिंग है, ये छोटा सा एक झुमकी है जो ओनली रुपीज़ 30 में मुझे मिला था। दिया हुआ है और यहाँ पर ब्लू कलर का वर्क किया हुआ है, सो ये बहुत ही खूबसूरत है और मेरे बहुत ही फेवरेट है। सो नेक्स्ट ये ईयरिंग मुझे मिला था ओनली 30 रुपीज़ में। यहाँ पर मल्टी कलर के बीड्स लगे हुए हैं और ये प्लास्टिक से ही बना हुआ है आई गेस, और ये मेटल से बना हुआ है, सॉरी प्लास्टिक नहीं। इसकी जो वर्क है ये भी मुझे बहुत पसंद है, और ये ऐसे ही डिज़ाइन में आया है। तो इसके बाद मेरे पास जो ये रिंग है ये ओनली 50 रुपीज़ में मुझे मिला था, और मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। ये यहाँ पर थोड़ा ज्वेलरी में आता है, आप देख सकते हो इसकी जो डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक सा है। तो इसके लिए मुझे ये बहुत ही पसंद आया तो मैं इसे खरीद ली। सो नेक्स्ट मेरे पास है एक चांदी टाइप की ईयरिंग, इसे मैं एग्जैक्ट नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ये ब्लू और ब्लैक में इसकी जो कॉम्बिनेशन है इसमें आता है, और ये मुझे बहुत ही पसंद आया, ये भी रुपीज़ 50 में ही मुझे मिला था। नेक्स्ट मेरे पास ब्लैक ईयरिंग है, ये ब्लैक कलर के है, और इसमें एक मिरर जैसा कुछ दिया हुआ है जो रिफ्लेक्ट करता है, और इसकी जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस भैया के पास बहुत सारे ऐसे कलेक्शन थे और मुझे सभी कलेक्शन अच्छा लग रहा था, तो मैं उस दुकान से 5 ईयरिंग परचेस कर ली, और ये जो है ये भी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड कलर में आता है, आप देख सकते हो। और इसके भी नीचे झूमर जैसा कुछ लगा हुआ है, सो ये भी बहुत ही अच्छा लगा। एंड लास्ट मेरे पास ये ईयरिंग है जो कि बहुत ही कॉमन डिज़ाइन है, मेरे पास नहीं था तो मैं समझा कि इसे लेना चाहिए एक, और ये बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ये मैं पहन के दिखाती हूँ। ये छोटू सा ही है, इसकी जो डिज़ाइन है आप देख सकते हो,
ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। सो ये भी मुझे 50 रुपीज़ में ही मिला था। सो फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट मेरे पास जो इयररिंग है, ये ब्लैक कलर का एक इयररिंग है। ये आई थिंक कोई बीट्स तो नहीं है, लेकिन ये प्लास्टिक से ही बना हुआ है। यहाँ पर गोल्डन वर्क किया हुआ है और यहाँ पर ब्लैक। ये भी मुझे ओनली 30 रुपीज़ में मिला था। ये भी एंड इसकी जो डिज़ाइन है, मुझे ये भी पसंद आया बहुत ही। इसकी जो कलर है, ये सी ब्लू कलर में आता है और ये पीकॉक के डिज़ाइन में आता है और मयूर जैसा इसके डिज़ाइन है। ये भी मुझे 50 रुपीज़ में ही मिला था। और अगर मेरे इस लुक का अगर आपको देखना है, तो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक छोड़ दूँगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर ये ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको देखना है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्रिप्शन बटन के पास जो बेल आइकन है, उसे प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको दिखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।